तो हम अपने बाल को लंबे करने के लिए कई नुस्खे अपनाते हैं, कई तरीके हम देखते हैं और उसको करते हैं, बट क्या हमारे उस लंबे और लॉन्ग हेयर पे, हमारे हेयर पे क्या शाइनी आपको दिखती है? ना ही वॉल्यूम होता है उसमें, बस लंबे हेयर आप पे हो जाते हैं और ऊपर से हमारे बहुत सारे डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ जाती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है जिससे हमारे हेयर की डैमेज हो जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा, और जिन लोग मेरे चैनल को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना निकला, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और चलिए वीडियो को एंड तक। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर का हेयर मास्क और हेयर शैम्पू है। कंडीशनर मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर है शैम्पू की तरह। पहले मैं बात कर लेती हूँ शैम्पू की। तो आप यहाँ देखो इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग इस टाइप की है। यहाँ पे आपको यहाँ विनेगर और एप्पल की यहाँ पिक्चर दिख जाती है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये देखो एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू है, जेंटल एंड नेचुरल डिटॉक्स फार्मूला फॉर स्ट्रेस्ड ट्रेसेस, डिटेज ब्लॉकर्स, नो सल्फेट, नो पैराविन एंड नो सिलिकॉन। यहाँ डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड भी है वॉक के सारे प्रोडक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी 300 ml की क्वांटिटी है। यहाँ पे ये क्या शैम्पू ये क्लेम करता है यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। अब इसकी मैं दूसरे बैक साइड पे दिखा देती हूँ। तो दूसरे साइड आप देखो यहाँ पे इसके कंडीशनर है, ये दूसरी कंडीशनर है, ये आपको रिकमेंड किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप आ जाते हो नीचे साइड, तो आप यहाँ देख सकते हो इसकी प्राइस, यहाँ इसकी सेल्फ लाइफ, यहाँ क्वांटिटी सब कुछ मेंशन की गई है। इसकी प्राइस है 499 rupees, इसकी सेल्फ लाइफ है 2022 तक है, इसकी MRP, इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो 300। इसके बाद आप यहाँ पे दूसरे बैक साइड पे आ जाते हो, तो यहाँ पे आपको यूज़ करने का पूरा तरीका आपको बता दिया जाता है पिक्चर के जरिए भी, और यहाँ लिखी हुई भी है। इसके बाद आपको टिप्स टू रिमेंबर, यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं जिसको फॉलो करोगे तो आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी आपको दिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये कार्डबोर्ड में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये पूरे इंग्रेडिएंट की यहाँ बात की जाती है, शैम्पू से क्या क्या आपको फ़ायदे होगा ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन की जाती है। यहाँ पे की इंग्रेडिएंट की लिस्ट है, वीडियो को पॉज कर आप आराम से भी देख सकते हो। देन यहाँ बात कर लेती हूँ मैं यहाँ एप्पल साइडर विनेगर हेयर मास्क का। सेम पैकेजिंग है इसकी शैम्पू की तरह, इसकी कंडीशनर भी इसी तरह की सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी बिल्कुल इसकी सिमिलर पैकेजिंग है। एंड अगर बात की जाए इसकी हेयर मास्क की, तो यहाँ पे देखो सेम यहाँ लिखा हुआ है हेयर मास्क ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर, नो पैराविन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन यहाँ पे मेंशन कर दी जाती है। यहाँ पे देन लिखी जाती है क्लेरिफाइंग एंड रीबैलेंसिंग नेचर पावर्ड हेयर केयर। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लेम दी जाती है, दिखा दी जाती है। यहाँ पे 200 ml की क्वांटिटी ये मेंशन की जाती है। दूसरे बैक साइड आप देखोगे तो यहाँ पे 1000 दिया गया है, किरीन किरियन की लिस्ट दी गई है। यहाँ पे सेल्फ लाइफ, यहाँ पे आपको MRP 499 rupees है, यहाँ पे देख सकते हो। फिर अगर आप दूसरे बैक साइड जाते हो तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे कैसे आपको यूज़ करना है, इनग्रीडियंट से क्या आपको फ़ायदे होगा, यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। जैसा कि एप्पल साइडर विनेगर में काफ़ी ज़्यादा विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके स्कैल्प को रीस्टोर करता है, हेल्दी पीएच बैलेंस करता है एंड रिमूव डेड सेल करता है। तो ये सारे फायदे होते हैं हमारे हेयर में। इसलिए एप्पल साइडर विनेगर के जितने भी आपको प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे आपके हेयर में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे फर्क दिखेंगे, रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं आप इसको इनर पैकेजिंग दिखा देती हूँ। आप इसकी इनर पैकेजिंग देखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसकी कार्डबोर्ड में थी, सेम वैसे ही है। सब कुछ यहाँ पे मेंशन की जाती है इसकी भी बैक साइड पे। ये देखो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आराम से आप देख सकते हो, बिल्कुल आप पढ़ भी सकते हो वीडियो को पॉज कर। तो इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ यहाँ मेंशन कर दी जाती है। अगर ये आप इसे मिस कर देते हो तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा काम आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक कि इसमें सेल्फ लाइफ भी मेंशन की जाती है, आपकी इसमें नेट वॉल्यूम भी सेल्फ दी जाती है। देन मैं हेयर मास्क दिखा देती हूँ कि वो कैसा दिखता है। तो अब हेयर मास्क देखो, हेयर मास्क भी आपको सेम दिखता है। यहाँ पे एप्पल और साइडर की विनेगर की यहाँ पे एक पिक्चर दिख जाती है, 200 ml की क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिख जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन इसकी बॉटल पे कैप पे आपको दिख जाती है। और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इसमें भी सब कुछ यहाँ पे मेंशन की जाती है। आप यहाँ पे अगर इसकी वेस्ट कर देते हो इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग, तो कोई बात नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ को दिख जाती है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है।
सारे प्रोडक्ट होते हैं वो काफी ज्यादा केमिकल फ्री प्रोडक्ट होते हैं, इसमें ना ही पैराबिन होते हैं एडेड, ना ही सल्फेट, ना ही मिनरल ऑयल वगैरह होते हैं जो हमारे हेयर या स्किन से डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए काफी अच्छे होते हैं, काफी हमारे लिए फायदेमंद ही प्रोडक्ट होते हैं। तो आप लोगों ने अब तक के कोई भी वाओ के अगर प्रोडक्ट नहीं यूज किए हैं तो मेक श्योर कर लो, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे इसमें प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। और अगर आप इनको सारे प्रोडक्ट को खरीदना है तो मैं इसकी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप बाय के आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। आप वाओ के वेबसाइट भी है, अब मैं वहां की भी लिंक दे दूंगी, आप नायका अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी इसे ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप मास्क लगा रहे हो तो आप मास्क वीक में एक से दो ही बार लगाओ, क्योंकि मास्क में डेली लगाना नहीं होता है। जैसे नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर कर रहे हैं वैसे आपको कर लेना है, उसके बाद आपको मास्क लगा लेना है। और ये वीडियो के लिए मैं आपको एक टिप भी देना चाहूंगी हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड, अगर आपको हेयर को हेल्दी बनाना है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनाना है तो आपको एक टिप फॉलो करना होगा जिससे आपके हेयर में काफी ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। टिप ये है कि आपको क्या करना है, 20 मिनट के लिए आपको अपने गर्म टॉवेल, जिसको हम बोलते हैं टॉवेल, उसको आपको क्या कर लेना है, अच्छे तरीके से गर्म पानी में डुबो कर रख देना है। वही टॉवेल को आप अपने 20 मिनट में अपने हेयर पे रैप कर रखो, और उसके बाद 20 मिनट के बाद अगर आप उस टॉवेल को निकाल कर मास्क अप्लाई करोगे तो आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आपके हेयर में नरिशमेंट आ जाएंगी, आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और सॉफ्ट भी आपको दिखेंगे। तो अगर ये ही टिप अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और मुझे आगे ठीक कमेंट आपको करके बताना होगा कि आपको क्या ये टिप काम किया है। तो चलो वीडियो को यही एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, और लाइक का बटन भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। सो टिल देन बाय।